मेरे बाबा को कौन कौन बुलाना चाहता है? मेरे बाबा को बुलाने के लिए थोड़ा सा मस्ती में भी आना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। एको एक यो हे श्याम ने आवण की, एको एक यो हे श्याम ने आवण की, एको एक यो हे श्याम ने आवण की, एको एक यो हे श्याम ने आवण की। मेरी आवण की ए मन भावण की, आवण की ए मन भावण की, एको एक यो हे श्याम ने आवण की। मेरा बाबा छलिया है, जल्दी से आता नहीं है, और आता है तो कुछ भी कहता नहीं है। आपने आवे लिखना भेद, आपने आवे लिखना भेद, आपने आवे लिखना भेद, आपने आवे लिखना भेद। आस लगी है मोए चरण लगी, आस श्याम ने आवण की, कोई कहियो हे श्याम ने आवण की, आवण की ए मन भावण की, आवण की ए मन भावण की, कोई कहियो हे श्याम ने आवण की, कोई कहियो हे श्याम ने आवण की। जब जब मुझे मेरे बाबा की याद आती है तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रुकते ही नहीं है। ये दो नैना कया न माने, ये दो नैना कया न माने, ये दो नैना कया न माने, ये दो नैना कया न माने। चढ़ी लगी है झर सावन की, चढ़ी श्याम ने आवण की, कोई कहियो हे श्याम ने आवण की, आवण की ए मन भावण की, आवण की ए मन भावण की, कोई कहियो हे श्याम ने आवण की, कोई कहियो हे श्याम ने आवण की।
बाबा अनिल जी की मेरे बस की बात नहीं है। जब अभी ने आपके घर पे आंसू झरने घर में बाबा का जन्मदिन मनाया मेरे बाबा मेरे बस की बात नहीं होती और मैं चाहता हूँ मेरे श्याम प्रभु के पास पंख लगाकर उड़ जाऊँ। तो क्या है करूँ कुछ बस ना मेरा, कुछ बस ना मेरे पंख लहिए उड़ जावन की, पंख लहिए उड़ जावन की, सभी भक्त को अपना चमत्कार दिखाएं। ओ भक्तों के प्रभु कब हो मिलो, हमारे अनिल भाई साहब में धर्मशाला निर्माण हेतु 2,51,000 रुपए का सच्चे दरबार की। सुनीता पंच अच्छा
इन्हें नुए कौन मेरा के बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। अनिल जी ने बोला इस तरह से हाथ करते हुए और अखंड ज्योत लेकर जाना अपने आप में आज के समय में इतनी बड़ी तपस्या है कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आदमी को किस चीज की जरूरत रास्ते में नहीं होती। तो मेरे बाबा के आशीर्वाद से कोई एक दो मिनट के लिए तो आराम किया होगा, लेकिन चलते हुए कभी आराम नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर बाबा की इतनी श्रद्धा है और बाबा के चरणों में इतनी आस्था है कि मैंने खुद देखा है। जब कभी बाबा का कीर्तन होता था तो मेरे बाबा के सामने बैठकर के रोते थे। अरे इस समाज के सामने रोने से क्या है, ये तो हंसी उड़ाता है। मेरे बाबा के सामने रो करके देखो हम क्या क्या देता है। बोलिए लखदाता रे की जय हो। तो मेरे बाबा के फागुन मेले में जब कभी भक्त जाते हैं तो नाच करके मेरे बाबा को रिझाते हैं, और यकीन मानिए यात्रा में केवल 8 घंटे ही आराम मिल पाता है, उसमें से 5 या 6 घंटे ही सोना पड़ता है, बाकी जो है बाबा के भजनों में लीन रहते हैं। हाँ, तो हमारे मंडल की तरफ से आए वर्ष यह घोषणा होती है कि कोई भी माता बहन अगर खाटू जी जाना चाहती हैं तो पैदल यात्रा में इस मंडल की तरफ से उनका स्वागत है। यदि बाबा की दया से उनका कुछ काम बन जाए तो हम मानेंगे कि हमारा मंडल सार्थक है और पैदल यात्रियों का कुछ भला होने वाला है, क्योंकि बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार हमारी जिंदगी में दिखाए हैं, बस बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे बाबा के दर पे किसी चीज की कमी नहीं है, एक बार आजमा करके देखिए। बाबा जी एक और घोषणा करते हैं कि किसी की आर्थिक पोजीशन यदि उसको अनुमति नहीं देती है तो मंडल की तरफ से निशुल्क सुविधा है, वो अपने बाबा के दर्शन के लिए निशुल्क रूप से आ जा सकता है। बोलिए लखदाता रे की जय हो। फागुन मेले में ताई जो है ताऊ से कहने लगी कि मैं तो अब की बार फागुन मेले में जरूर जाऊंगी, चाहे तू कितना ही मना क्यों ना कर ले, क्योंकि फागुन मेला एक ऐसी मस्ती भरा मेला है जहाँ हर किसी की मनोकामना भी पूर्ण होती है और जिंदगी की सारी दुख तकलीफें मेरे बाबा हर लेते हैं। ओ फागुन मेले में, ओ फागुन मेले में जाऊंगी भरदा सनम तू करिए ना, तू करिए ना जाने से इनका। ओ फागुन मेले में, ओ फागुन मेले में, ओ फागुन मेले में, फागुन मेले में जाऊंगी भरदा Oh!
जासे जासे मेरी दुरानी पैदल जाऊंगी या से मन में ठाणे नाले बाधो श्याम गोंड में नाले बाधो श्याम गोंड में छोवे नहीं बीमार करिए ना कलम तू करिए ना काटते इनकार उठाकर मेरे में उठाकर मेरे में कहानी बिगड़ी बात बना नील पसार हारे को आन उठावे नील पसार हारे को आन उठावे कहलावे मेरा श्याम धनी जी कहलावे मेरा श्याम धनी जी बाबा लगता चार सजन तू करिए ना हलम तू करिए ना बड़ा है तो मैं
पैसे वाले ही सेठ कहते हैं। दुनिया में सारे पैसे वाले ही सेठ कहते हैं। छोटे मोटे मांगने वाले उनके दर पे जाते हैं। छोटे मोटे मांगने वाले उनके दर पे जाते हैं। मैं भी उनसे मांग के अपनी ऊंची शान घटाऊं क्यों। मैं भी उनसे मांग के अपनी ऊंची शान घटाऊं क्यों। सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ। सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ। सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ। Good day.
कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए। झुक जाए बड़े बड़े सरदार तेरी मोरछड़ी के आगे, उसे बड़े बड़े सरदार तेरी मोरछड़ी के आगे, तेरी मोरछड़ी के आगे, तेरी मोरछड़ी के आगे, तेरी मोरछड़ी के आगे, तेरी मोरछड़ी के आगे। झुक जाए बड़े बड़े सरदार तेरी मोरछड़ी के आगे, सच्चे दरबार की। बाबा का जन्म हो चुका है, मेरे बाबा के जन्मदिन पर सभी अपने मुख से हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा कहकर के संबोधित करेंगे। तो क्या कहा है? रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, सब बोलेंगे से पूरा